तो चलिए, लखनऊ का नवाबी लंच हमारे लिए यहाँ पे मम्मी बना रही हैं आज। मजा आ जाएगा, लखनऊ पहुंचा देंगे हम आपको आज। वनडे शेफ जायका प्रीमियर लीग में लखनऊ टीम पार्टिसिपेट कर रही है और आज हम बना रहे हैं वहां का फेमस फेमस टुंडे कबाब वेजिटेरियन और साथ में मलाई पराठा। तो देखिए मम्मी यहाँ प्लेटिंग कर रही है, प्याज में उन्होंने डाला है नमक, लाल मिर्च और नींबू, और ये देखिए यहाँ पे टुंडे कबाब बनाए हैं, बहुत फेमस है। लखनऊ जाएंगे ना तो ये सब खाने को मिलेगा। आज घर में ही हम लखनऊ को लेके आएंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। और ये देखिए, तो ये देखिए आप मम्मी यहाँ पर फोल्ड कर रही हैं आपके लिए, और रेडी है हमारा यहाँ पे रैप, टुंडे कबाब रैप यहाँ पे रेडी है। क्या शानदार दिख रहा है ना, इसके लिए लाइक हो जाए। और आपके मुंह में पानी आ गया है लंच टाइम पे, तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो मम्मी स्टार्ट करें? यस yes. तो चलिए चलते हैं हम, हमारे वेज टुंडे कबाब कैसे बनाते हैं। ये सबसे पहले मैंने वन बोल राजमा लिया है, हाँ उसको हाँ रात को सोक कर दिया है 6 से 7 घंटे ओवरनाइट। और ये थोड़े से आधा बोल मैंने ये न्यूट्री चंक्स लिए हैं, सोयाबीन बढ़िया जिसको बोलते हैं, इसको मैंने वो बॉईल कर लिया 10 मिनट के लिए। और फिर पानी स्पीस करके, ये देखिए पानी स्पीस कर लिया इनका, और हाँ फिर ये दोनों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। हाँ तो देखिए इसको ड्राई ग्राइंड करके यहाँ पे ये रेडी है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे आपको ग्राइंड करना है। तो चलिए मम्मी को दिखा देते हैं। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। हम आए हैं विद माय लवली मॉम विजय हल्दिया जी के संग आपको दिखाने के लिए ये जबरदस्त रेसिपी। आप देखिए अब क्या करना है ना, आपको इसमें टिप्स होंगे, और ये इसमें ट्रांसफर कर लेती हूँ, मिक्सिंग अच्छी होगी जिससे। हाय सुष्मिता जी, हाय श्वेता जी, हाय रजनी जी, ममता जी, गुड टू सी, हाय कश्मीरा जी, गुड टू सी ऑल ऑफ यू वाचिंग लाइव। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून में ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ, बाइंडिंग के लिए और क्रंच भी अच्छा आएगा इससे। और 2 टेबल स्पून ही मैं बेसन डाल रही हूँ, ये सीखा हुआ बेसन है, भुना हुआ, ये भुना हुआ बेसन है। ओके भुना हुआ बेसन है, कच्चा नहीं लेना है। अब इसमें मैं स्पाइसेस डालूंगी। तो थैंक यू बनाश्री जी, थैंक यू प्रभावती जी, थैंक यू रेणु जी, नमक सर, रेड चिली पाउडर, हाँ हाँ ये भी टेस्ट क्या करूँ, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा गरम मसाला पाउडर, और थोड़ा सा मैंगो पाउडर, अमचूर पाउडर है, अच्छा वो मैंने इसमें डाल दिया है। और थोड़ा सा हम ये दूध में भिगोई हुई केसर है हमारी, वो अच्छा। मैं इसमें डाल रही हूँ। तो देखिए नवाबी कबाब है ना, टुंडे कबाब यहाँ पे वहाँ पे राजाओं महाराजाओं के लिए बनते थे, और ये वेजिटेरियन प्रोटीन रिच आज हम बना रहे हैं। थोड़ा सा मैं घी डालूंगी, देसी घी, अब इसको मिक्स कर लेंगे हम। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए, कमेंट्स में जरूर बताइए, जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में। आज जायका प्रीमियर लीग में आपके लिए वंडर शेफ के द्वारा आपके लिए आज यहाँ पे लखनऊ की टीम आई है, जो कि बना रही है, फर्स्ट रेसिपी है आज हमारी वेज टुंडे कबाब और मलाई पराठा, लखनऊ का फेमस यहाँ पे। ये देखिए अब इसको मैं हाथ से इनके गोल गोल कबाब बनाऊंगी। तो देखिए जिग्ना जी बोल रही है, आंटी आप कितने एनर्जेटिक हो, एनर्जी कहाँ से आती है आपको? इसमें घी लगाएंगे एनर्जी आप लोगों से मिल लेती ना, उसी से आ जाती है मुझे तो हाँ तो देखिए मम्मी की तो उसी में आ जाती है एनर्जी। और ये देखिए अब घी लगा के क्या शानदार शाही बन रहा है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। ये मिक्सर थोड़ा सा आपको लूज लगे ना, थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स या बेसन और डाल लीजिएगा आपके, क्योंकि राजमा की जो कबाब है ना थोड़ा सा लूज हो जाता है। ओके तो मैं अब इसमें गोल गोल इसके कबाब बना लूंगी। तो देखिए थोड़ा सा घी और लगाएंगी मम्मी हाथ में यहाँ पर, और फिर उसके बाद अब टिप्स भी होते हैं इसको सेकने के, जो होते हैं ना बहुत स्पेशल टिप्स है जो मम्मी यहाँ पे बताएंगी। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। लखनऊ को अगर फाइनल्स में पहुंचाना है तो आपको लाइक करना पड़ेगा। कमेंट ऑयल जो मैं डाल रही हूँ ना वेजिटेबल, कम से कम डालिए बस अपने कटलेट इसमें सीख जाए, उतना ही ज्यादा तेल डालेंगे इसमें क्या बिखरने का डर रहता है। अच्छा तेल में ये बिखर सकते हैं ये पूरे, तो मैंने कम ही डाला है इसमें। ये देखिए तो देखिए कम ही तेल आपको डालना है, और ये स्लो फ्लेम पे हम सेकेंगे। अगर आपको लखनऊ को फाइनल्स में पहुंचाना है तो लाइक करिए, अच्छा लग रहा है, मम्मी की रेसिपी आपको मजेदार लग रही है तो लाइक जरूर करिए। और ये देखिए अब यहां पर हम बना रहे हैं, अगर अच्छी लगे तो आपके लाइक्स आते हैं ना तो नई नई रेसिपीज आज आपको सीखने को मिलेगी यहाँ पे। थैंक यू सलमा जी, नेहा जी, उषा जी, गुड टू सी ऑल ऑफ यू वॉचिंग लाइव।
और अब हमारे यहाँ पे वेज टुंडे कबाब बन रहे हैं, ये सेकने के लिए मम्मी ने रख दिए। और ये देखिए हमने यहाँ पे वंडर शेफ के यहाँ पे नॉन स्टिक पैन्स हमने यूज करे हैं, प्रीमियम कोटिंग के हैं, बहुत ही कम ऑयल में। देखिए कितना क्रिस्पी टुंडे कबाब आपका सिकने वाला है। अब मलाई पराठा की तरफ चलते हैं कि कैसे आप मलाई पराठा बनाए। सिडनी से देखने के लिए थैंक यू सो मच श्याम जी, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं जरूर बताइएगा। हाँ तो मम्मी ये मैंने वन बोल मैदा लिया है। हाँ हाँ ये मलाई पराठा हमारे कबाब के साथ खाने वाले मैदा के ही बनते हैं। ये थोड़ी सी खसखस है और वो डालूंगी मैं वन टी स्पून ये घर की मलाई है तो मलाई डालनी है इसमें आटे में। और ये दूध है थोड़ा सा, तो दूध से आटा लगाना है और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी वो भी डाल दीजिएगा फ्लेवर के लिए बस। तो देखिए इसका आटा लगा लीजिएगा, जो मम्मी ने यहाँ पे बताया इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कर ले। और दो शानदार कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, आप वंडर शेफ के इंस्टाग्राम हैंडल पे भी जाके आप उनके एक दो क्वेश्चंस जो पूछते हैं उनको आंसर करिए और जीत सकते हैं आप ढेर सारे इनाम। हमारे जायका का तड़का भाई विजय हल्दिया पे भी ग्रुप चल रहा है, ये फेसबुक ग्रुप है जहाँ पे आप अपनी रेसिपीज पोस्ट करके जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। अभी तक 100 से ज्यादा उसमें एंट्रीज आ चुकी हैं, तो आप भी जाइए पार्टिसिपेट करिए। थैंक यू तबिना जी, तबिंदा जी, अंजना जी, जासमिन जी, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। ये देखिए हाँ इसका बॉल बना लिया है, अब इसकी रोटी बेल लूंगी मैं। तो ये देखिए रोटी यहाँ पे बेल रही हैं मम्मी, तब तक हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं ये मलाई पराठा है, दूध और मलाई से बनता है यहाँ पर। और हमारे यहाँ पे वेज टुंडे कबाब यहाँ पे सिक रहे हैं। मम्मी इनको हमें मैं दिखाती हूँ। हाँ। अच्छा, इनको बार बार पलटने नहीं है क्योंकि इसके टूटने का रहता है, तो एक बार अच्छे से मतलब मीडियम लो फ्लेम पर सिक जाए फिर उसके बाद पलटेंगे हम। हाँ तो बार बार इसको नहीं पलटने, टूटेंगे नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ इधर मैं इसकी रोटी बेल लेती हूँ। अच्छा इसकी भी जो रोटी बनेगी एकदम पतली बनेगी। अच्छा तो देखिए अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। लखनऊ को आगे बढ़ाना है फाइनल्स में आपको वंडर शेफ जायका प्रीमियर लीग में, तो लाइक करिएगा। 3 सिटीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हम वेट कर रहे हैं कि आप लोग कौन सी सिटीज को देखिए पहुंचाते हैं, कोलकाता, हैदराबाद, राजस्थान और आज लखनऊ, पूरा इंडिया आपके सामने आ चुका है। और यहाँ पर देखते रहिए ये शानदार रेसिपीज। और ये देखिए अब देखिए मम्मी पलट रही है, इनको पलटना नहीं है, अच्छे से सिक जाए तब अपन करेंगे यहाँ पर। देखिए तभी आपके टूटेंगे नहीं, नहीं तो लोगों के बहुत टूट जाते हैं। और मम्मी सेकनी कैसी है वो मलाई पराठा? बस अभी सेक रही हूँ। तो देखिए नॉर्मल रोटी की तरह सेकना है इसको, नॉर्मल रोटी की तरह घी लगा दिया मैंने थोड़ा सा। हाँ अब अपन इसको ये रख देंगे ऐसे बस, और फिर इसको हमें कपड़े से पलटना, पलट दूंगी और घी लगा दूंगी। अच्छा तो देखिए यहाँ पर हमारा पराठा अभी मम्मी सेक रही है। अगर आपको भी अच्छा लगे, पुष्पा जी आप दिल्ली से देखने के लिए थैंक यू सो मच, अंजना जी जायका का तड़का भाई विजय हल्दिया में जाइए और वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी रेसिपीज पोस्ट कर सकते हैं। लखनऊ का आज दिन है तो लखनऊ की रेसिपीज आप पोस्ट कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। लखनऊ से उमा जी आप देख रहे हैं, तो कैसे लग रहे हैं आपको वेज टुंडे कबाब? लखनऊ को आगे बढ़ाना है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ पे बोलिए वो भी लाइक करेंगे। मैं इसमें घी लगा रही हूँ, तो देखिए ऊपर से घी लगाना है, ये तरीका हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने वंडर शेफ का ही नॉन स्टिक तवा यहाँ पे हमने लिया है आपके लिए और देखिए कितना अच्छा, बस अब ये नॉर्मल हमारा सिक जाएगा। और मम्मी ने स्टार्टिंग में आपको दिखाई दिया था, बस मम्मी इसको ऐसे ही सेकना है दोनों साइड से, सेकना है इसको, ज्यादा नहीं सेकना क्यों, अपने को रोल बनाना है ना इसका, ज्यादा सेकेंगे तो ये हो गया बस बन गए ये। हाँ तो देखिए कबाब भी थोड़े बहुत आपके बिखरे ना तो कोई टेंशन नहीं करने का, थोड़ा बहुत निकलेगा इसमें से मसाला तो आप ले। हाँ तो देखिए हमने रोल बनाना तो स्टार्टिंग में सिखाई दिया था। अगर आप सिर्फ कुछ लोग जो होते हैं वहाँ पे सिर्फ टुंडे कबाब खाते हैं कोरे यहाँ पे बिना यू नो मलाई पराठा के, तो उस वक्त आप क्या करें, वहाँ पे कढ़ाई पे भी सेकते हैं, तवे पे भी सेकते हैं। तो मम्मी आप दिखाएंगी कि इसको हमें क्या करना है यहाँ पर। तो देखिए हमारा रैप बन गया, अब इसको कैसे डेकोरेट करेंगे मम्मी यहाँ पे बता रही है आपको। और ये देखिए अब यहाँ पर अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, हर मॉम बहुत मेहनत के संग ये लाइव वीडियोस आपको दिखाती है। शाम को 5 बजे हम जाएंगे फिर से लाइव लखनऊ की मॉम के संग, लखनऊ की ही मॉम होंगी जो दिखाएंगी हमें ये शानदार एक और लखनऊ की रेसिपी। अब ये देखिए धनिया पत्ता डाल दूंगी,
और रेडी है। तो ये शाही लखनऊ का लंच हमारा रेडी है, नवाबी लंच। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए, मम्मी को बताइएगा कि कैसा लगा। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। बाय बाय एवरीवन।